Union cabinet has passed a proposal to to raise the legal age of marriage from 18 years 21. Is this a step in the... भारत में बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं फिर भी देश के कई हिस्सों में बाल विवाह हो रहा है इससे किसी भी पुरुष और महिला के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कई देशों में ऐसी कई प्रथाएं हैं जो आज के लोगों के लिए बहुत बुरी समस्या बन चुकी इसमें से कई तो ऐसी प्रथाएं हैं जो महिला वर्ग के लिए एक चुनौती है इनमें से एक है बाल विवाह आखिर बाल विवाह क्या है कानून के अनुसार निश्चित आयु से पहले किसी बच्चे का विवाह यानी कि नाबालिग उम्र में ब्याह करना एक बाल विवाह कहलाता है इस विवाह से बच्चों का बचपन छिन जाता है उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि आखिर आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है या आने वाले टाइम में उनका जीवन कैसा होने वाला है वो मेंटली कितना टॉर्चर होती होगी हम या आप तो इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हाल ही में सरकार की कैबिनेट ने प्रपोजल पास किया कि शादी की उम्र 18 से 21 साल होनी चाहिए कहते हैं इससे औरतों की इम्पावरमेंट होगी लेकिन फिर भी लोग इसे क्यों क्रिटिसाइज करते, करते हैं जून 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसे जया जेटली जी हेड कर रही थी इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जया जेटली जी कहती है कि शादी की उम्र बढ़ाने का मकसद पॉपुलेशन कम करना नहीं है हमारा असली एजेंडा ये है कि छोटी उम्र में शादी करने से बच्चा पैदा करते टाइम जो भी इश्यूज आते हैं उनको हम कैसे टैकल करें जैसे मेटर्निटी मोरलिटी रेट कई औरतों की कम उम्र में शादी होने की वजह से बच्चा पैदा करते टाइम उनकी मौत भी हो जाती है इसके लिए उन्होंने सोलह यूनिवर्सिटी से फीडबैक लिए और पंद्रह एन से जाकर बात उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हमें शादी की उम्र बढ़ा देनी चाहिए प्रियंका चतुर्वेदी जी कहती है कि यहाँ पर सोसाइटल चेंज लाने की बहुत जरूरत इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आरोप 79% सिर्फ एड्स पर ही खर्च होता है ग्राउंड लेवल पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है 2019 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 15 लाख ,00 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी हुई है अगर हम चाइल्ड ब्राइड्स मैरिजेस का ग्लोबल नंबर देखें तो वन थर्ड चाइल्ड ब्राइड्स इंडिया से आती है एन के 2019 और 21 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में तेईस परसेंट मैरिजेस चाइल्ड मैरिज होती है सोचो वन फिफ जितनी भी शादियाँ हो रही है वो चाइल्ड मैरिज हो रही आखिर इसका क्या कारण है समाज में बाल विवाह के सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक कई कारण हैं। पहला एजुकेशन शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति को मजबूत करता है एक एजुकेटेड व्यक्ति कोई भी फैसला लेने से पहले उसके दोनों पहलुओं को देखता है ऐसे में साक्षरता दर की कमी के कारण लोग ये नहीं सोच पाते की बाल विवाह से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरा गरीबी हमारे देश में दहेज प्रथा इतनी ज्यादा है कि गरीब लोग तो इसकी पूर्ति कर ही नहीं पाते और अपने परिवार के अंदर ही छोटी उम्र में अपनी लड़कियों की शादी कर देते तीसरा परंपरा कई देशों में तो बाल विवाह इसलिए कर देते हैं कि बरसों से पीढ़ी चली आ रही सच्चाई तो ये है कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं किया जा रहा हमें सही माने में बिल्कुल उस हर शादी पर बैन लगा देना चाहिए जो कि 18 साल से कम उम्र में हो रही इस बिल को देखें तो मोदी सरकार द्वारा मैरिज एज अठारह से इक्कीस साल कर दी गई लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह फैसला ज्यादा बदलाव नहीं लाता जो एग्जिस्टिंग कानून है वो ये कहता है कि है, देखा ही होगा कि हमारी खुद की हैबिट्स को ही चेंज करना कितना मुश्किल होता है सोसाइटी में चेंज लाने से पहले हमें खुद में चेंज लाना होगा सोचो 18 साल से कम उम्र की लड़की की क्या समझ होती हो उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की होती सिर्फ वो एक परिवार के दायरे में ही रही होती है ऐसे में उसकी शादी कर देना कहाँ तक सही है कम उम्र में शादी करने की वजह से ही डायवोर्स आत्महत्या हमें ये ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं इतनी छोटी उम्र में शादी करके एक बच्चे को जन्म देना मतलब आप सोच सकते हैं कि एक सोसाइटी का एक बहुत गंदा टॉर्चर है फिलहाल तो एज ट्वेंटी वन है लेकिन कितने देशों में और कितने लोग इसको फॉलो कर रहे सरकार जो कर रही है वो तो चलो ठीक है उन्होंने तो एज ट्वेंटी वन कर दी है बट इसको टोटली खत्म करने के लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे उन्हें इतना सक्षम बनाना होगा कि वो सही और गलत में फैसला कर सके और गलत के खिलाफ आवाज उठा सके तभी ये कही न कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर खत्म होगा नहीं तो एज लिमिट सेट होने के बाद भी चोरी चुपके ये कहीं ना कहीं चलता ही रहे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू तो सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच